हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं राग भैरव की एक बंदिश का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं और उसमें स्थाई के सरगम गीत का रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो अगर आप इन रिकॉर्डिंग्स को ध्यान दें तो पूरी बंदिश को आप सीख सकते हैं। और ये बंदिश गुरबाणी से ली गई है। बहुत ही अच्छी बंदिश, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन बना है। शब्दों पर ध्यान दें और ये तीन ताल में बंदिश है, तो ध्यान से देखें। और इसे मैं जी शार्प से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए है। चूंकि ये सरगम गीत है तो आप किसी भी दूसरे स्केल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कराऊं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप बेल आइकॉन भी दबा दें तो कोई भी न्यू अपलोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबाया करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं राग भैरव तीन ताल की बंदिश। और ये गुरबाणी की बंदिश है, गुरबाणी के शब्द है, तो जिसके कारण मैं सजेस्ट करता हूं छोटे बच्चों को, महिलाओं को और सबको कि आप इस तरह के शब्दों को अगर क्लासिकल में गाएं तो मैं समझता हूं अच्छी बात है, ठीक है। तो देखें बंदिश इस तरह से है, स्थाई है सरगम गीत। गा मा धा धा सा नी धा नी धा पा मा गा गा मा पा गा मा रे ए सा आ गा मा धा धा सा नी धा नी धा पा मा गा गा मा पा गा मा रे ए सा आ गा आ गा गा मा मा गा रे गा मा रे ए सा आ गा 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 मा मा गा रे गा मा रे ए सा आ नी सा गा मा पा धा नी सा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये तीन पंक्ति है, पहली लाइन दो बार, दूसरी लाइन दो बार और तीसरी लाइन एक बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर से देखें गा मा धा धा सा नी धा नी धा पा मा गा गा मा पा गा मा रे ए सा आ गा मा धा धा सा नी धा नी धा पा मा गा गा मा पा गा मा रे ए सा आ गा आ गा गा मा मा गा रे गा मा रे ए सा आ गा आ गा गा मा मा गा रे गा मा रे ए सा आ नी सा गा मा पा धनी सा धनी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा गा मा धा धा सा नी धा नी धा पा मा गा गा मा पा गा मा रे सा। तो ये है स्थाई का सरगम गीत। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि कहां कहां पर डबल स्पीड में गाया गया है, तो उसे बिल्कुल डबल स्पीड में तैयार करें और बहुत ही धीमी गति से तैयार करें, जल्दबाजी ना करें। जब आप शुरू में ही जल्दबाजी कर देते हैं, एक गुण को अगर आप तेज कर देते हैं तो डबल स्पीड और तेज हो जाता है उसका, जिसके कारण फिर वो बैलेंस में नहीं रहता है और स्टूडेंट्स अक्सर गलत करता है, डबल स्पीड को भी सिंगल स्पीड में गाता चला जाता है। इसीलिए स्पीड बहुत ही कम रखें और प्रयास करें गा मा धा धा सा नी धा नी धा पा मा ग
गा मा पा गा मा रे ए सा आ, इस स्पीड में गाएं और हर मात्रा को क्लियर समझें, सिंगल और डबल स्पीड और हर मात्रा को, पॉज को, हर एक मात्रा को क्लियर करें, तभी आप सही तरीके से उसे गा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें। और समाप्त करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें काम करने का जो एक एनर्जी मिलता है वो बहुत पावरफुल होता है और जिसके कारण हम अधिक से अधिक काम कर पाते हैं। तो इसीलिए कमेंट्स भी जरूर किया करें और लाइक्स बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।